नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड़ और स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम खबर की तह तक में। चलिए शुरुआत करते हैं, बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। देखिए, विधायक अलग अलग मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछने वाले हैं। प्रश्नकाल के बाद रेवाड़ी एम्स को लेकर ध्यान आकर्षण लगाए प्रस्ताव पर चर्चा होने वाली है और आयुष्मान कार्ड को लेकर भी ध्यान आकर्षण यहां पर लगाएं और वहीं इसी प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। सदन में अनुपूरक अनुमानों पर चर्चा और मतदान किया जाएगा तो वहीं नियम 121 के अधीन प्रस्ताव रखे जाएंगे। कांग्रेस की ओर से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा होनी है और इसके बाद विधायक कार्य किए जाएंगे। तो देखिये, हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक को पुनर्स्थापित किया जाएगा। हरियाणा नगर पालिका विधायक 2024 और औद्योगिक विवाद निरसन विधेयक 2024 पर विचार और पारित किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। कांग्रेस की तरफ से दिए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी। बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस ने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया। सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। देखिए, जेजेपी और कांग्रेस ने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी जानकारी दे रही हैं। कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव का गिरना तय माना जा रहा है और कांग्रेस को अविश्वास प्रस्ताव पास करवाने के लिए 46 विधायकों की जरूरत है। अब ऐसे में कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। अनिल, हरियाणा विधानसभा बजट सत्र लगातार जारी है, ऐसे में हंगामे भी लगातार बजट सत्र में देखने को मिल रहे हैं। आज के दिन की बात करें तो क्या कुछ महत्वपूर्ण देखने को मिल सकता है बजट सत्र में? अनिल, देखिए, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के अगर तीसरे दिन की बात करें, तीसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहेगा। बजट सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ होगी। प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष विपक्ष के तमाम विधायक सवाल पूछते नजर आएंगे। विपक्ष के कई विधायक कई सवालों पर सरकार को घेरेंगे। वहीं आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भी चर्चा होनी है। रेवाड़ी एम्स और आयुष्मान योजना के मुद्दे पर जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं जो विपक्ष सरकार को घेरेगा, यानी जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है इसमें स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे उठाए जाएंगे। इसके अलावा कुछ विधायी कार्य भी होने, कुल 3 विधेयक है जिनमें से एक विधेयक तो आज पटल पर रखा जाना है। 2 विधेयक के ऊपर चर्चा होगी। इसके अलावा और भी कुछ विधायी कार्य होने, कुछ अनुपूरक अनुमान है वो भी बजट में पेश किए जाएंगे। लेकिन जो आज सबसे ज्यादा हंगामा होगा, जो कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव दिया गया उस पर ज्यादा हंगामा होगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव दिया गया था वो मंजूर कर लिया गया था। आज अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर बहस और चर्चा होनी है। हालांकि जो आंकड़ा है सरकार के पक्ष में है, कांग्रेस को भी पता है कि उनको जो अविश्वास प्रस्ताव है वो गिरना तय है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा की अगर संख्या बल की बात करें, हरियाणा विधानसभा में कुल 90 विधायक है। अगर कांग्रेस को अपना अविश्वास प्रस्ताव पास कराना है तो उसको 40 विधायकों की दरकार होगी, लेकिन कांग्रेस के पास 30 विधायक है। सत्ता पक्ष की अगर बात करें, बीजेपी के 41 विधायक है, जेजेपी के 10 विधायक है, 51 इन विधायकों की संख्या हो जाती है। इसके अलावा 6 निर्दलीय विधायक और 1 हलोपा विधायक, कुल 58 विधायक सत्ता पक्ष के पास है। यानी जो आंकड़ा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास बहुमत से भी ऊपर आंकड़ा है, तो ऐसे में कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव है वो गिरेगा। 2 विधायक जिनमें बलराज कुंडू और इनेलो विधायक अभय चौटाला, ये किस तरफ जाएंगे, ये अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में होंगे विपक्ष में होंगे अभी कह नहीं सकते। हालांकि जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं ये दोनों विधायक सरकार के विरोध में, तो ऐसे में विपक्ष में वोट डालेंगे या गैर हाजिर रहेंगे, वो थोड़ी देर बाद वो स्थिति सारी स्पष्ट हो। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज विश्वास मत एक बार फिर जीतेंगे। 2 साल पहले कांग्रेस की तरफ से एक बार पहले अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री के खिलाफ दिया गया था, लेकिन तब भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार की जीत हुई थी और आज एक बार फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की और बीजेपी जेजेपी सरकार की जीत होना तय माना जा रहा है। बिल्कुल अनिल, देखिए क्योंकि देखिए विधानसभा में बजट सत्र लगातार जारी है, हंगामेदार भी लगातार देखने को मिल रहा है क्योंकि विपक्ष जो है वो सरकार को घेरता हुआ जमकर नजर आ रहा है। अगर बात यहां पर किसान आंदोलन की जाए, उस दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि आज किस तरीके से मुद्दा गरमाया जा सकता है, क्योंकि आज हरियाणा में 2 घंटे तक सड़कें भी जाम की जाएंगी किसानों के द्वारा, तो उसको देखते हुए क्या कुछ हंगामा देखने को मिल सकता है सदन में?
देखिए कल भी विपक्ष की तरफ से किसानों का मुद्दा उठाने की कोशिश की गई थी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कल सदन में साफ कर दिया गया था कि 28 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों के मुद्दे पर वक्त व्यय देंगे, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा पंजाब की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, हालांकि कल देर रात केंद्र सरकार की तरफ से भी गन्ने के जो FCR था उसमें बढ़ोतरी की गई है, और आज भी जिस तरीके से जो चाहे मुद्दे उठेंगे जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा जाएगा, सरकार की तरफ से भी अपनी बातें रखी जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जो एक लंबा चौड़ा वक्तव्य है, पिछले 9.5 सालों में मनोहर सरकार ने किसानों के लिए क्या कुछ किया, केंद्र सरकार किस तरीके से किसानों के लिए काम कर रही है, आने वाले दिनों में किस तरीके से प्रदेश सरकार किसानों के लिए क्या कुछ करेगी, बजट भी कल हरियाणा का आएगा, तो ऐसे में एक जो वक्तव्य है मुख्यमंत्री की तरफ से किसानों के मुद्दे पर जो जवाब दिया जाना है वो 28 तारीख को मुख्यमंत्री जवाब देंगे। बिल्कुल अनिल, देखिए आज अगर बात करें यहाँ पर, क्योंकि अगर संख्या बल के आधार पर बात करें तो सरकार जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव जो उनके खिलाफ लाया जाएगा उसको लेकर यहाँ पर एकमत होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आज का जो प्रमुख मुद्दा यहाँ पर माना जा रहा है वो अविश्वास प्रस्ताव माना जा रहा है। किस तरीके से इसको देखा जा सकता है? देखिए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से व्हिप जारी किया गया। सबसे पहले जननायक जनता पार्टी की तरफ से अपने सभी 10 विधायकों को व्हिप जारी किया गया। सभी विधायकों को आज विधानसभा में रहना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बीजेपी ने भी अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी किया गया है। संसदीय कार्यमंत्री कंवरपाल गुर्जर की तरफ से बीजेपी के सभी विधायकों को व्हिप भेजा गया है। जब चर्चा के बाद वोटिंग की प्रक्रिया होगी उस दौरान भी सभी विधायकों को मौजूद रहना होगा। वहीं कांग्रेस ने भी अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी किया गया है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ही विश्वास प्रस्ताव दिया गया है। कांग्रेस के 30 विधायक है तो कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि उनका एक भी विधायक या एक भी वोट कम हो, तो ऐसे में तमाम दलों की तरफ से व्हिप जारी किया गया है। रणनीति की अगर बात करें, कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि भले ही हमारे पास आंकड़ा पूरा नहीं है, लेकिन हम जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनसे अपील करते हैं कि वो अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालें। जो जो विधायक सरकार के कामकाज से खुश नहीं है वो विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट डालें। लेकिन ये कहने की बातें हैं, जो आंकड़ा है वो पूर्ण तौर पर सरकार के साथ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ पूर्ण तौर पर आंकड़ा है, क्योंकि 41 विधायक तो बीजेपी के हैं, 10 विधायक जेजेपी के हैं, 6 निर्दलीय विधायक है, 1 अलोपा विधायक है, 58 विधायकों की संख्या बैठती है, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को विश्वास मत जीतने के लिए 46 विधायकों की दरकार है, लेकिन उनके पास तो 46 से 12 विधायक ऊपर बैठते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को यह बिल्कुल कन्फर्म है कि वो जो विश्वास मत है एक बार फिर जीतने जा रहे हैं। 2 साल पहले भी कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तब भी कहीं ना कहीं सरकार की जीत हुई थी, और एक बार फिर सरकार की जीत यहां पर होने जा रही है। जी चलिए अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, उसके लिए विस्तार से आपने जानकारी साझा की। और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में आज संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक होने वाली है। चंडीगढ़ के किसान भवन में SKM की मीटिंग होगी और 37 संगठन इसमें शामिल होने वाले हैं। किसान आंदोलन को लेकर रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। देखिए किसान आंदोलन लगातार जारी है और किसान आंदोलन को देखते हुए आज चंडीगढ़ में अहम बैठक किसान संगठनों की होने वाली है, जिसमें 37 संगठन जो है वो शामिल होने वाले हैं। SKM की ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक, किस तरीके से किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए और क्या कुछ रणनीति होगी इसको लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। 37 संगठन इस मीटिंग में, इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। किसान आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। किसान लगातार शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, जहां पर दिल्ली कूच का जो उनका कार्यक्रम था वो 2 दिन के लिए किसानों ने रद्द कर दिया है, तो वहीं आज की बात करें तो आज किसान हरियाणा की सड़कों को जाम करने का उन्होंने ऐलान किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज 37 संगठन एक साथ इकट्ठा होने वाले हैं और ये जो बैठक है चंडीगढ़ में रखी गई है किसान आंदोलन को लेकर कि क्या कुछ रणनीति आगे देखने को मिल सकती है। तो वह देखिए किसान आंदोलन लगातार जारी है, ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार है। 4 दौर की बातचीत में सार्थक चर्चा हुई, किसानों के लिए काम करने पर प्रतिबद्ध हैं। ध्यान रखें आम लोगों को परेशानी ना हो। तो वहीं अर्जुन मुंडा ने कहा कि सब मिलकर समाधान निकाले। लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान सामने आया है, सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। पंजाब में किसान संगठनों के साथ किसानों के मसले पर कई दौर की बातचीत हुई है और अभी भी हम बातचीत के लिए किसान संगठनों से कहा है कि इसका समाधान बातचीत के माध्यम से हम
निकालेंगे, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकलता है, वार्ता के माध्यम से ही निकलता है, और यह देश हम और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरसिमरत पॉल हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, उनका जरा रुख करना चाहेंगे। हरसिमरत, आज किसान आंदोलन को देखते हुए चंडीगढ़ में किसान संगठनों की अहम बैठक होने वाली है। सबसे पहले तो बैठक के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे हरसिमरत, क्या कुछ इसमें रणनीति बनाई जा सकती है किसान आंदोलन को लेकर? बिल्कुल दीपिका, आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा जो है उसकी आज मीटिंग शुरू होगी और उसके बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे ये मीटिंग होनी है। सुबह 11 बजे ये मीटिंग शुरू होगी और उसके बाद तकरीबन 2 से 3 घंटे ये मीटिंग जो है वो चलेगी और फिर मीडिया से रूबरू होंगे जो भी किसान नेता वहां पर पहुंचे होंगे। आपको ये चीज भी क्लियर कर दें कि फिलहाल जो आंदोलन चल रहा है किसान आंदोलन, वो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और अन्य ग्रुपों का चल रहा है और जिसकी आज मीटिंग होनी है वो संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक ग्रुप है बलवीर राजेवाल का, उनकी होनी है। उनके साथ 37 और संगठन जो है वो आने वाले हैं। आपको बताएं कि फिलहाल चाहे वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है पर फिर भी उनकी जो नजर है वो लगातार इस आंदोलन पर बनी हुई है, जो कि अभी फिलहाल देख रहे हैं हम लोग कि शंभू बॉर्डर या फिर खनौरी बॉर्डर पर जिस तरह से रोक लगाई गई है किसानों के दिल्ली जाने की, तो ऐसे में पिछले दिनों भी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से साथ ही साथ उग्राहक ग्रुप की तरफ से इस आंदोलन का समर्थन किया गया था। जगह जगह पर जो है वो बीजेपी के कार्यालय को घेरा जा रहा है, नेताओं के घरों को घेरा जा रहा है, कहीं पर टोल प्लाजे बंद किए जा रहे हैं और उसी के चलते जिस तरह से देखा गया कि बीते दिन खनौरी बॉर्डर पर एक युवक की मौत हो गई थी, 23 साल युवक शुभकर्मन जिसका नाम बताया जा रहा है उसकी मौत हुई है और ऐसे हालात से किस तरह निपटा जाए इसको लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी, तो इसके लिए एक हंगामी मीटिंग जो है कहा जा सकता है कि आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से चंडीगढ़ के किसान भवन में की जानी है और यहाँ पर बड़े संगठन जो है वो शामिल होंगे। आपको ये भी बताएं कि यह मात्र पंजाब के किसानों के नहीं अपितु जितने देश के राज्य हैं वहां से अलग अलग राज्यों के जो संगठन है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और उनके साथ एक मीटिंग जो है वो होने वाली है और उसके बाद आगे का जो रणनीति बनाई जाएगी कि आखिरकार इस आंदोलन में उन्होंने जाकर के सकारात्मक रूप से जैसे खुद करके भाग लेना है या बैक एंड पर रहकर जिस तरह से पहले वो सपोर्ट कर रहे थे उसी तरह से करेंगे। जी, चलिए हरसिमरत बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपका रुख किया जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर चंडीगढ़ से है जहां चंडीगढ़ में आज पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। कई ऐसे बड़े फैसले हैं जिन पर मुहर लग सकती है, बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो सकता है, कृषि के मुद्दे पर भी चर्चा होना संभावित है। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरसिमरत पॉल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एक बार फिर से उनका रुख करना चाहेंगे। हरसिमरत, आज चंडीगढ़ में अहम बैठक होने वाली है पंजाब कैबिनेट की, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर, कौन कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं बैठक में जो चर्चा का विषय बने रह सकते हैं? बिल्कुल दीपिका, आपको बता दें कि आज पंजाब सरकार की जो है कैबिनेट मीटिंग है वो होने वाली है। पहले मुख्यमंत्री रिहायश सेक्टर 3 में होने वाली थी पर इसकी जो लोकेशन है वो बदल के सिविल सेक्रेटरिएट कर दी गई है। आपको बताएं कि वहां पर ये कैबिनेट मीटिंग होनी है। ये मीटिंग इस लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि कुछ ही समय में आचार संहिता लगने वाली है, तो ऐसे में कुछ प्रस्ताव जो है वो लेकर के आए जाएंगे जिससे पंजाब के लोगों को फायदा हो सके और साथ ही साथ अभी इसका एजेंडा जो है वो जरूर बताया नहीं गया है पर फिलहाल ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह बीते दिन मुख्यमंत्री खुद मीडिया से रूबरू होने के लिए आए जब उन्होंने सिचुएशन देखी जो बॉर्डर पर फिलहाल चल रही है पंजाब और हरियाणा के कि एक नौजवान की वहां पर मृत्यु हुई है, तो उसके लिए भी खुद मुख्यमंत्री जो है वो मदद के लिए आगे आए और उन्होंने कहा कि जो मदद है हम लोग ये करेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें जो बजट सेशन है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है कि आखिरकार किस तरह से जो बजट है वो रहने वाला है, क्या कुछ उसमें आएगा, तो उसको लेकर उसकी तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरसिमरत तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में न आयोजित करने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सांकेतिक तौर पर कई राजनीतिक दलों और संगठनों के साथ गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आयोजित करवाएंगे और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कई राजनीतिक दलों के नेता 27 फरवरी को गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आयोजित करेंगे जिसमें कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई मंत्री बनेगा, वहां पर कई मुद्दों को लेकर सवाल जवाब भी किए जाएंगे और कुल मिलाकर सांकेतिक तौर पर होने वाला यह आयोजन अपने आप में सबसे अलग होगा क्योंकि पहली बार इस तरह से आयोजन किया जाएगा। देखिए, इसमें जितने हमारे सहयोगी दल हैं, जो लोग नाराज हैं बजट सत्र देहरादून बुलाने को लेकर, वो सभी लोग मिलकर गैरसैंण में 27 तारीख को सत्र
चलाएंगे, वहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे, कोई अध्यक्ष भी बनेगा, कोई मंत्री पदों को संभाल के बैठेगा, तो कुछ विधायक बनकर अपने ज्वलंत मुद्दे, चाहे वो हमारे अग्निवीर से संबंधित प्रश्न हो, चाहे वो हमारे भू कानून से लेके संबंध हो, चाहे अंकिता भंडारी को लेकर हो, चाहे वो केदारनाथ की सोने की चोरी की घटना को लेकर हो, चाहे वो भर्ती घोटाले हों, चाहे वो किसानों के हालात हों, इन सभी गंभीर विषयों पर वहाँ सदन चलेगा और उस दिन वहाँ के जो आम जन है उन लोगों को एक विधानसभा गैरसैंण में देखने को मिलेगी। और आप लोग भी आमंत्रित है, आप लोग भी आइए, क्योंकि हम लोग तो वहां जाके गैरसैंण में इस बार सत्र। और इस खबर पर और अधिक विस्तार से जानकारी के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका जरा रुख करना चाहेंगे। राव शफात, उत्तराखंड में गैरसैंण विधानसभा का जो मुद्दा है वो लगातार गरमाया हुआ है। देहरादून में इस बार विधानसभा का जो बजट सत्र है वो आयोजित होना है और उसको देखते हुए विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। जहां अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का बयान सामने आ गया, उन्होंने कहा है कि गैरसैंण में एक और सत्र आयोजित किया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे? हाँ दीपिका, देखिए क्योंकि विधानसभा का सत्र आहूत हो चुका है, इसकी जो है घोषणा हो चुकी है और 26 फरवरी से 1 मार्च तक ये बजट सत्र रहेगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर के विपक्ष का है कि ये बजट सत्र गैरसैंण में होना चाहिए था, क्योंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण और गैरसैंण क्योंकि जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ये शिकायत है विपक्ष की कि देहरादून राजधानी में ये बजट सत्र ना होकर के गैरसैंण में होना था, तो सबसे एक अलग प्रदर्शन देखने को मिलेगा और ऐसा शायद जितने भी राज्य हैं उनमें उत्तराखंड में ऐसा प्रदर्शन देखने को मिलेगा पहली बार के जो विपक्षी दल हैं, घटक दल हैं इंडिया के, वो सब गैरसैंण में जाकर के एक पैरेलल सत्र करेंगे। हालांकि ये संवैधानिक सत्र नहीं होगा, ये सिर्फ एक सांकेतिक तौर पर ये सत्र होगा जिसमें विपक्षी दलों के तमाम नेता वहां पर, कोई मुख्यमंत्री बनेगा सांकेतिक तौर पर, कोई विधायक बनेगा और मुद्दों को उठाया जाएगा। मुद्दों में भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे, लॉ ऑर्डर के मुद्दे हैं, जिसमें कानून व्यवस्था के मुद्दे हैं, इसको उठाया जाएगा। और ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा कि इस तरह से सरकार का विरोध विपक्ष करने वाली है। क्रप्त देहरादून राजधानी के अंदर जब सत्र चल रहा होगा, बजट सत्र जिसकी तैयारियां चल रही, तो विपक्ष के जो विधायक है वो यहाँ सदन में मौजूद होंगे, लेकिन जो विपक्ष की पार्टी के लोग हैं वो उस वक्त गैरसैंण में मौजूद होंगे। और 27 फरवरी का दिन इसमें निर्धारित किया गया, क्योंकि 26 फरवरी को देहरादून में ये बजट सत्र शुरू हो जाएगा। दूसरा ये कि क्योंकि बजट सत्र को लेकर के राज्य सरकार पहले से तैयारी कर रही थी, क्योंकि एक जनहित के लिए वित्तीय आवश्यकता होती है, तो उसको लेकर के एक लंबी तैयारी राज्य सरकार की थी। तो 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इस बार का बजट रहने वाला है। सबसे खास और अहम ये रहने वाला है कि जो सत्र आसान हुआ है, यानी कि सत्र खत्म हो चुका है, पिछला पिछले सत्र जो रखा गया था, इस बार का जो सत्र है उसमें राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद सत्र की शुरुआत होगी। और इस वक्त विपक्ष के पास सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी बेहद बड़ी फहरिस्त है मुद्दों की सरकार को घेरने के लिए, क्योंकि पिछली शिकायत थी कि सरकार ने जो विशेष सत्र बुलाया था उसमें प्रश्नकाल नहीं था, उनकी बात को नहीं सुना गया था, लेकिन इस बार जो है प्रश्नकाल रहेगा और विपक्ष के पास एक लंबी फहरिस्त है। जैसा अभी जिक्र किया मैंने, पलायन के मुद्दे, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे या फिर कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दे, तमाम मुद्दे इस वक्त रहने वाले हैं और ये जो सत्र है ये काफी हंगामेदार सत्र रह सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राव शफात, तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र शुरू है, जहां सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और बजट भाषण पर आज सीएम सुक्खू जवाब देने वाले हैं। अब देखिए, विपक्ष सदन में हंगामा कर सकता है, 29 फरवरी तक ये बजट सत्र चलने वाला है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरता हुआ सदन में नजर आएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जब से बजट पेश किया उसके बाद से ही लगातार सियासत जो है वो हिमाचल में गरमाई हुई नजर आ रही है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, उनसे जरा बातचीत करना चाहेंगे प्रदीप, क्योंकि देखिए लगातार अगर हिमाचल की बात करें, विधानसभा का बजट सत्र लगातार जारी है, ऐसे में विपक्ष सरकार को लगातार घेरता हुआ नजर आ रहा है। जहां आज के दिन की बात करें तो बजट भाषण पर जवाब भी मुख्यमंत्री देने वाले हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी, किस तरीके से देखा जा रहा है इसको?
बजे सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और प्रश्नकाल के साथ उसकी शुरुआत होनी है और इस दौरान भी बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे जो विधायकों की तरफ से लाए गए हैं और उसमें प्रश्नकाल के दौरान वो सवाल पूछे जाएंगे, संबंधित मंत्री उसका जवाब देंगे, मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों का के प्रश्न होंगे तो वो उसका उत्तर देंगे और उसके बाद जो बजट भाषण जो मुख्यमंत्री ने पढ़ा था 17 फरवरी को उस पर आज जो है जो चर्चा है अंतिम दिन की चर्चा हम इसको कह सकते हैं, उसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने आज उसका जवाब भी देना है कि जो ये चर्चा हुई है उसमें जो मुद्दे उठे हैं, विपक्ष के विधायकों ने जो सवाल उठाए हैं उसका एक एक करके मुख्यमंत्री आज उत्तर देने वाले हैं। इस दौरान देखना ये होगा कि विपक्ष किस रणनीति के साथ आज सदन में आता है, क्या पूरा उत्तर सुनता है मुख्यमंत्री का या किसी बात को लेकर नाराज होकर वॉकआउट कर सकता है। तो ऐसी अंदेशा ज्यादा है कि वो आज भी जब मुख्यमंत्री का जवाब आ रहा होगा उस दौरान विपक्ष के विधायक वॉकआउट कर सकते हैं या सदन के भीतर हंगामा भी देख पाएंगे। और इसके साथ साथ क्योंकि हमने देखा कि 2-3 दिन से लगातार जो चर्चाएं हुई हैं बजट भाषण को लेकर उसमें बहुत सारे विषय उठे हैं, रोजगार से जुड़ा जो विषय है, 1,00,000 रोजगार देने की जो बात जो मैनिफेस्टो में कही गई थी उसको लेकर पिछले कल भी विपक्ष ने हंगामा किया और भाषणों में जब हमने देखा कि विपक्ष के विधायक जब बोल रहे थे तो उसमें भी उन्होंने अपनी इस बात का जिक्र किया है। इसके साथ साथ बल्क ट्रक पार्क है, इंडस्ट्रियां प्लाइन कर रही है, इस तरह के मुद्दे उठाए गए इस दौरान सदन के भीतर भी और कृषि बागवानी से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए हैं। तो ये सारे मुद्दे जो विपक्ष ने उठाए हैं उनका आज मुख्यमंत्री ने उत्तर देना है और इस दौरान हम सदन में जो है कई कह सकते हैं हंगामा जो है वो जोर बरत सकता है, विपक्षी यहाँ पर नारेबाजी करते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है प्रश्नकाल का उस दौरान देखना ये होगा कि आज विपक्ष के विधायक किस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। जी जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए प्रदीप, क्योंकि देखिए आज हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र जिसमें प्रश्नकाल को लेकर अहम मुद्दा माना जा सकता है, इसके साथ ही आज विपक्ष जो है वो पूरी तरह से सरकार को घेरने के लिए तैयार है। तो चलिए इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।